बहन, मैं केवल एक और बात आपको विदित करने की अनुमति चाहता हूँ, आपको बताने की अनुमति चाहता हूँ कि हमारा एक कुछ भक्त लोग वडोदरा में एक चैप्टर है स्प्रेडिंग स्माइल्स, वो असांदीपने के आशीर्वाद से वहाँ काम कर रहे हैं और कम से कम 6 से 7 आंगनवाड़ी वहाँ हमने एडॉप्ट करके बहुत बढ़िया से बढ़िया बना करके समाज को सुपुर्द करी। बच्चों को अब वहाँ जाने का, वहाँ पढ़ने का विशेष आनंद आता है क्योंकि ऐसा वातावरण बना दिया है कि बच्चे स्वयं कहते हैं कि हमको जाना है स्कूल। तो वहाँ भी आंगनवाड़ी को हम लोगों ने एडॉप्ट किया है, अच्छा काम हो रहा। रामलला को देखकर किसके मन में भाव प्रेम नहीं उमड़ेगा, और उसी तरह से अयोध्या के रामलला के सब छोटे छोटे सखा, अनुज सखा संग भोजन करहीं, जिन सखाओं के साथ रामलला खेलते हैं, बाल लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और फिर 7 साल के हो गए हैं तो भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, और फिर गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो यहां की आंगनवाड़ी बहन, यदि आप हमको भी साथ में जोड़ेंगी तो जिस तरह से वडोदरा में किया ऐसा कुछ कार्यक्रम आपके साथ जुड़कर यहां पर भी हम सब लोग करेंगे ना। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट बहन ने दे दिया है आपके साथ जुड़ करके, क्योंकि अब जब भी मिलते हैं तो फिर कुछ न कुछ नया हो ही जाता है, और विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की वो रुचि है, तो आपके साथ मिलकर के, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के, वो आंगनवाड़ी वाला अयोध्या वाला जो काम है, बाकी तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और हमारे योगी जी बहुत अच्छी तरह से सब काम कर रहे हैं। क्यों, रामलला की कथा सुन रहे हैं, रामलला के प्रागट्य की कथा, रामलला का दर्शन किया हमने, तो फिर अयोध्या के अंदर पता नहीं कितनी आंगनवाड़ी होगी, उसमें से जितना हो सकता है हम जो कर सकते हैं। अयोध्या में ही 1000 से ज्यादा आंगनवाड़ी है, तो उसमें हम कितना क्या मदद कर सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं अपने संतोष के लिए कि रामलला को हमने भी कुछ, रामलला को पूरे विश्व ने भेंट, 22 जनवरी को भेंट कुछ न कुछ भेजी, लोग आए और कि हमने ये कि मैं भी रामलला के दर्शन के लिए गया, तो मैंने आदरणीय चंपत राय जी से कहा कि हमारे सांदीपनी के गौशाला में 300 से ज़्यादा गाय है, गिर नस्ल की, वेद लक्षणा शुद्ध गिर नस्ल की गाय है, और यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं रामलला के भोग के लिए उन गायों का घी भेजूं। तो आदरणीय चंपत राय जी ने भी बहुत प्रसन्नतापूर्वक कही कि हाँ जरूर भेजिए, हम भोग लगाएंगे, क्योंकि सांदीपनी की गायों का घी तिरुपति बालाजी को भी भोग लगा, वहां पर भी गया, तो यहां रामलला के लिए भी तो कुछ न कुछ भेंट रामलला को। सबसे उत्तम भेंट तो यह है कि हम खुद समर्पित हो जाएं राम जी के लिए, राम जी के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करें। राम का नाम तो हम लेते ही हैं, राम का काम भी करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए।